सो हे वेलकम गाइस, सर कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज के डेट में जो एंड्रॉयड फ़ोन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है वो अपडेट को लेके है, क्योंकि भाई कंपनीज जो है ठीक से अपडेट प्रोवाइड नहीं करती है और फोन जो है आउटडेटेड हो जाते हैं, और कुछ टाइम के बाद मतलब 1-2 साल के बाद फ़ोन के अंदर अपडेट आना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। और अगर आपने अच्छी फ़ोन खरीद के रखा है तो भाई 2 साल तक आपको अपडेट देखने को मिलेगा, और अगर आपका सस्ता सा फ़ोन है तो गाइस छोड़ ही दो, मतलब कंपनी वगैरह उसकी तरफ मुड़ के देखते भी नहीं है, बेचने के बाद एक बार देखता भी नहीं है कि भाई इसे अपडेट देना भी ज़रूरी है। ओके, तो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गूगल जो है एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है जिसका नाम है गूगल ट्रैवल, शायद मे भी नाम है ऐसा कुछ है, मुझे ठीक से नाम नहीं पता, पर गूगल ट्रैवल ऐसा ही कुछ नाम है। तो कैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है जितने भी फ़ोन होने वाले हैं सबके अंदर जो है 4 ईयर्स तक अपडेट देखने को मिलेगा, रेगुलर अपडेट देखने को मिलेगा। तो भाई ये टेक्नोलॉजी कैसा होने वाला है, क्या कुछ यहाँ पर इंप्लीमेंट हो सकता है, सब कुछ के बारे में बात करूँगा आज के इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज का वीडियो, तो कैसे मस्त से पूरा देख लेना, और अच्छी लगे वीडियो तो मस्त सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर दो यार, बिल्कुल मस्त फ्री में लाइक कर सकते हो। तो कैसे करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट एक स्माइल के साथ। सो कैसे सबसे पहले बात कर लेते कंपनीज जो है ठीक से अपडेट प्रोवाइड क्यों नहीं करते और कंपनीज को जो है लेट क्यों होता है अपडेट प्रोवाइड करने में, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। जो कि मतलब मानो कि जो बड़े बड़े अपडेट्स होते हैं एंड्रॉयड 10 से, अगर आपका फोन एंड्रॉयड 11 में शिप कर रहा है और स्टेबल अपडेट है, तो कैसे अपडेट आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, मतलब जो कि बीटा अपडेट है उसके बाद से स्टेबल अपडेट आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो भाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई सबसे पहले तो कंपनी वालों को जो है काम करना पड़ता है अपडेट के ऊपर, उसके बाद टेस्ट करवाने के लिए जो बीटा अपडेट है वो निकालना पड़ता है, टेस्ट वगैरह करना पड़ता है, उसके बाद जो है उस अपडेट को गूगल के पास भेजना पड़ता है और गूगल जो है उसको चेक करता है सब कुछ ठीक है या फिर नहीं, मतलब बिल्कुल मस्त से चेक करता है। चेक करने के बाद अगर फिक्स रहा सब तो भाई रोल आउट करने के लिए दे दिया जाता है, और अगर फिक्स नहीं रहा तो फिर से जो है फिक्स करने के लिए भेजा जाता है और कंपनीज़ को बताया जाता है आपके अपडेट में यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसको फिक्स करिए। तो फिर से फिक्स करके फिर से जो है कंपनीज़ गूगल के पास भेजती है और गूगल फिर से चेक करके जो है रिलीज़ करने के लिए छोड़ देता है अगर अपडेट सही रहा तो। ओके, तो कैसे यार बहुत लंबा प्रोसेस है और इस प्रोसेस को करने में कैसे काफ़ी ज़्यादा जो है माल भी चला जाता है, मतलब पैसा भी चला जाता है फ़ोन ब्रांड्स का। तो कैसे सस्ते फ़ोन में जो है इसलिए कंपनीज अपडेट ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करती है, यही रीज़न है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उनमें अपडेट देने में और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और पैसा भी ख़त्म हो जाता है, और फ़ोन है ही सस्ता तो भाई उसमें कैसे करेंगे। तो कैसे इस दिक्कत को जो है गूगल ने देख लिया है और उसको फिक्स करने के लिए जो प्रोजेक्ट लाया है सबके सामने, प्रोजेक्ट कुछ अजीब सा मतलब कुछ नया यूनिक सा ही है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो फ़ोन होने वाला है स्नैपड्रैगन के साथ मिलकर प्रोजेक्ट होने वाला है, जो भी फ़ोन होने वाला है 880 के बाद जो भी प्रोसेसर आने वाला है स्नैपड्रैगन, जैसे कि 1204, 1206 या फिर 1205, 1207, जो भी आने वाला है प्रोसेसर नेक्स्ट, जो भी प्रोसेसर आने वाला है स्नैपड्रैगन के, उसमें जो है जो भी फ़ोन होने वाला है उस सेम प्रोसेसर के साथ, यहाँ पर आपको 2 UI देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो गूगल का एक UI होने वाला है हल्का सा, और उसके ऊपर जो है जो भी फ़ोन है उन ब्रांड का UI होने वाला है, जैसे कि रियलमी का रियलमी UI या फिर सैमसंग का जैसे One UI, उसके बाद ऑक्सीजन OS वगैरह होने वाला है ऊपर में। ओके, तो वैसे नीचे का जो UI रहने वाला है गूगल के पास रहने वाला है और उसके ज़रिए अपडेट को दिया जाएगा, और जितने भी चीज़ हैं अपडेट्स के मामले में सब कुछ जो है गूगल खुद मैनेज करने वाली है। तो कैसे यहाँ पर अपडेट जो है काफ़ी ज़्यादा जल्दी मिलने वाला है और कंपनीज़ को जो है लॉस भी नहीं होने वाला है। तो कैसे काफ़ी ज़्यादा यूनिक है कॉन्सेप्ट है और बहुत सारी मतलब चीज़ सुनाई भी दे रहा है कि भाई आप मतलब ये चीज़ होने के बाद चिपसेट आने के बाद स्नैपड्रैगन के जो भी चिपसेट है लेटेस्ट आने के बाद, मतलब 888 वाले चिपसेट आने के बाद, सॉरी डबल नहीं 888 वाले चिपसेट आने के बाद, आप जो है डायरेक्ट प्ले स्टोर में जाके ही अपडेट को दे सकते हो, मतलब सिक्योरिटी पैच अपडेट दे सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग नया सा कॉन्सेप्ट सुनाई दे रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है बाद में जाके इम्प्लीमेंट। तो आपको 3 साल तक जो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिलेंगे और 4 साल तक जो है आपको सिक्योरिटी पैच के अपडेट्स देखने को मिलेंगे। 3 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट मतलब एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12 जो भी होने वाला है सब कुछ, और इम्प्लीमेंट होने वाला है एंड्रॉयड 11 के बाद से, मतलब एंड्रॉयड 11 एंड्रॉयड 12 से जो है शुरू होने वाला है काम। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और काफ़ी जल्दी ही आने वाला है, शायद नेक्स्ट ईयर ही आ जाए चला है, तो देखते हैं कैसा होता है। और अगर न्यूज़ अच्छी लगी तो मस्त से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को भाई मस्त से सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसे मस्त ऑसम अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो करते हैं आज की वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। ओके, तो टाटा बाय बाय, गुड बाय।